हम आमूमन चर्चा करते रहते हैं राजनीतिक गलियारों की, शहरों की, गांवों की। चलिए आज इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे एक रोगी के बारे में। एक रोगी है, इस रोगी को बीमार होने की वजह से कई लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक रोग की वजह से इतने लोग क्यों परेशान हैं। जी हाँ, हम बताते हैं विस्तार से। धनबाद का सदर अस्पताल वो रोगी है, इतनी बुरी तरह बीमार है कि इसकी बीमारी की वजह से पता नहीं कितने लोग परेशान हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बीमारी हो, कई बीमारी हैं, एक नहीं अनेक बीमारियों से यह ग्रसित है सदर अस्पताल। इलाज के नाम पर मरीज के साथ कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अगर होती है तो हमें और आपको शायद आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जो स्थिति है सदर अस्पताल की, इसको देखने के बाद आप भी यही सोचेंगे कि क्या सच में जो इतने दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था दिन पर दिन सुधार हो रही है, हमारे सरकारी अस्पतालों में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, सच्चाई क्या है, सच्चाई आखिरकार है क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। धनबाद जिले में एक बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाला सदर अस्पताल इन दिनों खुद बीमार चल रहा है। इसकी बीमारी है मैन पावर की कमी। इस मैन पावर के अभाव वाली बीमारी के कारण मलेरिया विभाग के कर्मचारी ब्लड बैंक में अपनी सेवा दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मलेरिया विभाग के इन स्वास्थ्य कर्मियों को रक्त संरक्षण का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़िया रोजाना तौर पर जारी है। हम यहाँ पे है वीवीडी कार्य हेतु हम यहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन वो तो रिपोर्टिंग में क्या बोलते हैं मलेरिया मलेरिया विभाग से, मलेरिया विभाग से शॉर्ट वर्ड में मलेरिया विभाग से। तो आपका यहाँ जो काम है वो एडिशनल है? हाँ, यही ना, क्या एडिशनल काम है? अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ पे मैन पावर कमी है? मैन पावर तो बहुत कमी, नर्सें लोग आती है, डॉक्टर साहब देखने नहीं आते हैं, डेली नहीं आते हैं। सदर अस्पताल कर्मचारियों का अभाव से जूझ रहा है, ये जिले के सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा भी मानते हैं। इसके साथ की कर्मचारियों की लेट लतीफी भी अस्पताल की अव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन इस कमी को दूर करने के लिए गंभीर रूप से प्रयासरत है। मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए 87 कंपनियों का चयन भी किया गया है। एक ही आदमी सदर अस्पताल में मैंने प्रतिनियुक्त किया है, वो ऐसा आदमी है कि 25 दिन वो पटना में रहता है। मैन पावर की कमी तो है ही, पूरे स्वास्थ्य विभाग में कमी है, की कमी से जूझते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 87 एजेंसियों को सेलेक्ट किया है। मैन पावर की कमी से जूझने के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है, इसके लिए इतना रिक्रूटमेंट भी कर रही है। जेपीएससी से अभी हमारे 173 चिकित्सकों को नियुक्ति किया गया है। जब कर्मचारियों की नियुक्ति होगी तब मैन पावर की समस्या से निजात मिलेगा, लेकिन फिलहाल का क्या? मच्छरों से होने वाली बीमारी का इलाज करने वाले कर्मचारी को सिरिंज थमा दी गई है। अब मरीज तो इस चीज से अनजान है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का क्या जो सब जानते हुए भी इस चीज को रोक नहीं रहा। अगर कल को रक्त संरक्षण के दौरान बात मरीज की जान पर बन आती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? धनबाद से भारत न्यूज 24 के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। रिपोर्ट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि धनबाद के सदर अस्पताल की स्थिति क्या है। यहाँ आप और हम क्या ही इलाज कराने जाएंगे। हमारे सहयोगी लगातार विकास बने हुए हैं। विकास, हम तो बस दुआ करेंगे कि आपकी और हमारी तबीयत बिल्कुल खराब ना हो, क्योंकि जिले की जो सबसे बड़ी अस्पताल है उसकी स्थिति ऐसी है कि मान लो आप अगर पहुंचते हो तो आप सिर्फ ऊपर वाले से दुआ करोगे कि मैं जल्द ठीक हो जाऊं, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ की जो स्थिति है ये मुझे ठीक नहीं कर पाएगी। आप वहां पहुंचे थे विकास, क्या कुछ देखने को मिला? पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। अस्पताल हम वहां पर पहुंचे थे इस खबर को कवरेज के लिए, तो सबसे पहले
जो कई जो विभाग हैं उस पर ताले जड़े हुए थे, विभाग के जो कार्यालय हैं उन पर ताले जड़े हुए थे। जब इसको लेकर के हम वहाँ के नर्सों से पूछे कि भाई अब ये कार्यालय जो है वो कब खुलेगा, जैसे ब्लड यूनिट सेंटर हो या फिर एक्सरे रूम हो, इन तमाम जो चीज़ें हैं, जब उनसे पूछे कि ये कब खुलेगा तो उन्होंने कहा कि 10 बजे खुल जाती है, लेकिन जिस वक्त हम ये रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे उस वक्त 11 से ज़्यादा बज चुकी थी। जब हमने कहा कि 11 बज चुका है अब कब कैसे क्या घूम के फिर 10 बजे का तो खुलेगी क्या, तो बोले साहब अभी तक आए नहीं हैं, अब साहब आएंगे तो खुलेगा। हम वहाँ पर ब्लड जो बैंक है उसके बाहर तकरीबन आधा घंटा बैठकर इंतज़ार किए, तब वहाँ जा करके अरविंद नामक एक व्यक्ति आते हैं, उनसे हमारी बात होती है। जब उनसे बात होती है और जब हम उनके कहते हैं कि कल हमने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया था, तो उन्होंने कहा कि भैया हम यहाँ मलेरिया विभाग में थे पहले और हमको मेन पावर का कमी था यहाँ अस्पताल में, इसलिए हमको यहाँ पर ला करके पदस्थापित कर दिया गया। तो हमने जो पूछा कि क्या आपने आपको इसकी प्रशिक्षण दिया गया है कि ब्लड कैसे निकालना है, क्या क्या जो इनकी तकनीकी है उसका प्रशिक्षण आपको मिला, तो उन्होंने कहा नहीं इसका हमको प्रशिक्षण नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर के कहा जाए आयुष की धन्यवाद, अगर मरीज जो है सदर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं या फिर जाएंगे तो उनका जीवन जो है उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट है वो नदारद रहते हैं, वो कभी कभार आए तो आए या नहीं तो फिर वो चले गए। और ऐसे ऐसे कर्मचारियों के हवाले ब्लड यूनिट हो या फिर अगर सुपरिटेंडेंट की बात करें आयुष, तो उनके उनके दरवाजे पिछले 4 दिन से बंद हैं, वो खुला ही नहीं, वो आते ही नहीं हैं। उसके बिहाफ में इंचार्ज बनाया गया है राजेश जी को, डॉक्टर जो कि वहाँ पे पैथोलॉजिस्ट हैं, वो भी जब मन किया तो आए, जब मन नहीं किया तो नहीं आए। तो ये हाल है सदर अस्पताल का कि जिसको जब मन किया वो आए, जिसको जब मन कर जाए चला जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कहा करते थे, खास करके सरकारी नौकरियों के बारे में, हालांकि हम मानते हैं कि सारे सरकारी नौकरी इस तरह से नहीं है, सारे सरकारी कर्मचारी इस तरह से नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के बारे में कुछ सरकारी कर्मचारी जो बदनाम करके रखे उनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि 12 बजे से पहले भेंट नहीं और 3 बजे के बाद लेट नहीं। ये पूरी तरह से सरकारी व्यवस्था को बीमार करके रखे हुए हैं। बीमारी इस कदर फैली है, मान लो कि ये छूटने ही वाली नहीं है। तरह तरह के इलाज किए जा रहे हैं, सरकार हो या फिर अधिकारियों, हथकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके उपाय नहीं निकाले जाते, उपाय निकाले जाते हैं, लेकिन जो बीमारी जड़ से पकड़ी हुई है उस बीमारी का इलाज आखिरकार कैसे होगा। कुछ लोग हैं, कुछ कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं जो अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है, वो समझते हैं कि हम जो सोच लिए हैं वही होगा। अस्पताल में भी वही हो रहा है, आपने बताया कि अस्पताल सुपरिटेंडेंट नजर नहीं आते हैं, ब्लड बैंक के जो कर्मचारी हैं वो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक नजर नहीं आते, ठीक है। अब अस्पताल में इलाज कौन करेगा। मरीजों से बात हुई, मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। अब ये बताइए, जब जाकर लेटना ही है तो अपने घर में इंसान लेटेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अस्पताल से तो ज़्यादा अच्छी व्यवस्था घर पर होगी, साफ सुथरी व्यवस्था घर पर होगी। इस अस्पताल में बीमार पड़ने हम क्यों जाएंगे, और सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए, अधिकारियों को इस बात का जवाब देना चाहिए। विकास, बिल्कुल सही कहा आयुष आपने कि जब अगर हमको लेटना ही रहेगा तो हम अपने घरों में क्यों नहीं लेटे, उससे काफ़ी बेहद व्यवस्था जो है हमारे घर में होती है, फिर हम सदर अस्पताल क्यों जाए, जबकि वहाँ जाने से हम ठीक होने के बजाय और बीमार हो जाएंगे। मरीजों से जब हमने बात की, मरीजों के परिजनों से हमने जब बात की आयुष, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नर्स आकर के देख के चले जाते हैं, डॉक्टर साहब कभी आए तो ठीक, नहीं आए तो भी ठीक, नर्स के हवाले पूरा विधि व्यवस्था चल रही है हॉस्पिटल की। कह सकते हैं कि यह कुल मिलाकर के कहा जाए आयुष, तो जो सदर अस्पताल है धनबाद का वो भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पे मरीजों को देखने के लिए ना डॉक्टर आते हैं, अगर नर्स आए, अगर कोई बोलने भी जाए कि भाई हमारे मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तब जाकर के नर्स डॉक्टर को बोलेंगे, तब डॉक्टर सुनने के बाद 1 घंटा के बाद वहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, तब मरीज के पास जाते हैं। यानी फिर यूँ कहें कि वहाँ पूरी तरीके से वो अस्पताल नहीं हो रहा है कि क्या ये जो डॉक्टर है ये निजी क्लिनिक भी चला रहे हैं, क्या निजी क्लिनिक में भी बैठते हैं, सरकारी तनख्वाह उठा रहे हैं, अपने जेब गरम कर रहे हैं। और सवाल ये उठ रहा है, जब अस्पताल में नहीं है तो डॉक्टर साहब हैं कहाँ, कहाँ हैं वो, अपने निजी क्लिनिक में तो नहीं बैठे हैं। देखिए आयुष, इस सवाल पे मैं ये कहूँगा कि जब सिविल सर्जन से हमने बात करने कहे थे, जब इस पूरे मसले पर उनसे हम बयान करने गए थे, तो सिविल सर्जन साहब ने एक बात कही थी कि
जो मलेरिया विभाग के अधिकारी कर्मचारी है जिनको ब्लड बैंक में नियुक्त किया गया है, वो दरअसल पहले जब फील्ड में जाते थे तो वो 10-10 दिन पटना चले जाते थे अपने पत्नी के पास, और वो बाहर में ही रह करके सरकारी कामों का जो है कि फायदा लेकर के उनका तनख्वाह उठा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ऑफ द कैमरा ये भी बात कहा है कि मैं ऐसे स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से लचर है, धनबाद में ऐसे कई कर्मचारी जो हैं जो बिना काम किए तनख्वाह को उठा रहे हैं, तो उन्होंने इस पर कहा है कि इस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो मेन पावर की कमी है उसको लेकर के 87 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट की है, जिनमें से चिकित्सकों की जो चयनित किए जाएंगे उनके बहाली के बाद जो मेन पावर की कमी है वो सुदृढ़ हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो जिनके भरोसे लोग मरीज आते हैं अपने कि जान मेरी हमारी इलाज होगी हमारा जान बचेगा, जब वही अस्पताल में नहीं रहे तो फिर मरीज जाकर करे तो करे क्या। कुल मिला के कहा जा सकता है कि यह अस्पताल नहीं बल्कि एक धर्मशाला बनकर रह गया है। जी आयुष, जिस तरह से आपने बताया कि यह अस्पताल नहीं महज एक धर्मशाला बनकर रह गया है, ठीक है। आपने शुरुआती चर्चा में एक जिक्र किया था, आपने जिक्र किया था कि कुछ अनट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, मतलब कि जो अप्रशिक्षित लोग हैं, मान लीजिए मलेरिया डिपार्टमेंट की किसी को प्रशिक्षण मिली है तो वो बैठे हैं ब्लड बैंक में। अब हम अपना ही बात कर ले, अगर हम पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजेक्शन लेकर घूमेंगे। हमारा काम है सच्चाई दिखाना, हमारा काम इलाज करना नहीं है। उसी तरह से अगर मलेरिया विभाग के बारे में किसी को जानकारी मिली है, किसी को ट्रेनिंग मिला है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो खून से शरीर से खून निकालेंगे, दूसरों के लिए खून चढ़ाएंगे, ये काम तो उनका नहीं। ऐसे में तो डर लगना लाजमी है, क्योंकि एक अनट्रेंड प्रोफेशनल, एक अप्रशिक्षित व्यक्ति एक मर्डरर से कहीं ना कहीं कम नहीं होता है, ठीक है। मानते हैं उसकी गलती नहीं होगी, उसमें अव्यवस्था के कारण उसे इस जगह पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया होगा इस इंसान को, कि उसे मजबूरन काम करनी हो रही होगी। लेकिन सोचना होगा उच्च पदाधिकारियों को, संबंधित पदाधिकारियों को, सरकारी विभाग के जो लोग हैं उनको सोचना होगा, स्वास्थ्य मंत्री महोदय को सोचना होगा कि आपके राज्य की जनता की जान खतरे में है। ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं, बरसात का मौसम है। आमूमन क्या होता है, मौसम बदलने से जो मच्छरों का डर पैदा होता है, डेंगू मलेरिया जैसे रोग बरसात में आते हैं। अब मलेरिया विभाग के लोग ब्लड बैंक में काम कर रहे हैं, मलेरिया विभाग में लोग नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, नर्स मनमाने तरीके से आते हैं, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं जिनका कोई खोज खबर नहीं है। अब समझ लीजिए आप ही कि आप कहाँ इलाज कराएंगे। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं और चले जाइए, हम ये कह रहे हैं कि आपको जहाँ आपको इलाज कराना है, आपके हमारे टैक्स से जिनको पेमेंट मिल रहा है वो कहाँ हैं, उन्हें ढूंढना होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विकास। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धनबाद का सदर अस्पताल इन दिनों कई बीमारियों से ग्रसित है, कई लोगों से ज़्यादा बीमार है, और बरसात आ रही है, डर इस बात की सता रही है कि आने वाले समय में, आने वाले 2-3 महीनों में, अगर लोग जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं, जो सुखदार हैं, वो तो बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाएंगे, प्राइवेट अस्पतालों में एसी वार्ड में लेट जाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनका क्या, उन्हें उनकी तो मजबूरी है सदर अस्पताल जाना, और सदर अस्पताल की ये स्थिति है, हमें डर लग रहा है।